बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामी। बड़े दिनों से मैं ये बहुत सारे वॉइस मैसेजेस के ज़रिए लोगों से बहुत सारी बीमारियां, फिर उनका इलाज और वैक्सीनेशन और गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स, और ख़ास तौर पे पंजाब गवर्नमेंट में मैं देख रहा हूँ कि लोग इतने खुश हैं। जानवर मवेशी पाल हजरात वो कहते हैं कि जी ये तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ चुकी है। ये मुझे बातें फैसलाबाद से शुरू हुई हैं, फिर उसके बाद मुझे सियालकोट, जफरवाल और पता नहीं कहाँ कहाँ से उधर से भी फीडबैक मिली, फिर उसके बाद मुझे यहाँ जो है ना रवात पिंडी में उनकी तरफ से, तो कमाल, मैंने कहा यार ये ऐसे ही ज़रा पता तो करूं। तो कोट अद्दू से हमारे अब्दुलरहमान हैं, उन्होंने आज मुझे जब बताया कि डॉक्टर साहब मैंने वेटनरी का गवर्नमेंट का हॉस्पिटल वहां गया और वहां से इंजेक्शंस लगवा के और वैक्सीनेशन करवा के आया हूं, तो मुझे बहुत खुशी हुई। और मैंने कहा कि ज़रा फीडबैक तो लूँ, मैंने स्पेशली उनको कहा मुझे प्लीज़ मुझे ये ज़रूर बताना कि क्या वाकई ये सही है, तो वो उनका देखते हैं क्या रिस्पांस है। सर अस्सलाम वालेकुम। नहीं सर, कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए और फ्री ऑफ कास्ट ही है जो ट्रीटमेंट वगैरह कर रहे हैं सर। वेरी गुड। तो बल्कि सर उन लोगों ने ना घर भी भेज दिया था बंदा चेक करने के लिए, तो कुछ जो निकल वगैरह है जो मैंने बोला है वो घर में ही आके उन्होंने लगाई है। बकाया सुबह की डोज थी तो ये कह रहे थे कि आप परेशान ना हो ना, आप इसको घर ही रखिएगा ताकि सर्दी से मसला ना बने, तो हम लोग घर ही आ जाएंगे, घर आके आपको। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड जी सर, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। परेशानी तो होती है सर, जानवर है बेजान है, लेकिन हिम्मत नहीं हार रहा, अपनी तरफ से लगा हूँ। रात भी सारी रात जो है ना इसके पास ही बैठा रहा, माशाल्लाह इनका बकरा बहुत बीमार है। तो मैंने एक दफा ये गिर गया लड़खड़ा के, तो एक ठीक है ना, तो फिर मैं भाग कर दूसरे पोर्शन से इसके पास आया हूँ, तो बस इसी तरीके से है। अल्लाह खैर करेगा सर इंशाल्लाह, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, बाकी जो अल्लाह को मंजूर हुआ। वेरी गुड वेरी गुड जी सर, मैं इंशाल्लाह जो है ना साइनोकॉप लेके सर अभी कोशिश करता हूँ कि चलो इसे 5 cc लगा दूं, वो लगा अल्लाह फजल करने वाला है, किस चीज से क्या अफाका मिल जाए तो वो तो अल्लाह पाक जानते हैं। तो इंशाल्लाह सर मैं इसका भी स्टार्ट करता हूँ। सर बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक सर आपको लंबी उम्र अता करे, जज़ाए खैर अता करे सर। अल्लाह आप दुआ भी करते हैं, आप रहनुमाई भी फरमाते हैं सर, आपका जितना शुक्र अदा करो शुक्रिया अदा करो सर, वो बहुत कम है। अल्लाह पाक सर आपको सलामत रखे, लंबी उम्र दे सर, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे, ताकि आप जो सर लोगों की बेलोस खिदमत कर रहे हैं इसको आप जारी रख सके। अल्लाह पाक आपको बहुत खुश है सर। अस्सलाम वालेकुम। और ये अगर वो ना मिले, एक वैसे एमी वाइटल हाई, वो मैं आज एक नुशहरा से एक क्वेश्चन था तो मैंने एमी वाइटल हाई की कंपोजिशन जब बताई ना, मैंने कहा स्टूडेंट्स भी मेरे देख लें सुन लें, तो वो बहुत इफेक्टिव है। वो भी अगर इस तरह की कंडीशन हो और जानवर थोड़ा ना उठ सके या इस तरह कमजोरी फील कर रहा हो, लड़खड़ा रहा हो, तो एमी वाइटल हाई वो आप उसका भी अगर इस्तेमाल वो मिल जाए तो क्या ही बात है। वो ज़बरदस्त किस्म के उसके अंदर कंपोजिशन है उसकी, और वो बड़ा ही इफेक्टिव है, वो भी देख लें। जो भी आपको जो असल में बात है, जो दस्तियाब हो चीज़। और मुझे खुशी हुई है जो आपने फीडबैक दिया कि वाकई पंजाब गवर्नमेंट ने इस तरह फ्री ऑफ कॉस्ट आपके और घर पे भेज दिया बंदे को, ये बहुत दिस इज अमेजिंग। और मुझे वाकई मुझे लग रहा है कि तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है, बहुत खुशी हुई है। और इनको मैं कहूँगा इस प्रोग्राम के की वसातत से प्लीज़ कीप इट अप, ये जारी रखें, और लोगों को डोर स्टेप्स पे अगर जब उनको सहूलतें मिल जाएं तो हमें हमारा यकीन करें मुकाबला ही कोई नहीं कर सकता हमारे किसानों का और जो मवेशी पाल हजरात हैं उनका। और इससे बहुत एनकरेजमेंट मिलेगी सब लोगों की जो ये मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, कि प्लीज़ वो गवर्नमेंट के
जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनके साथ वो राबता करें और उनके वेट वालों उनसे फायदा उठाएं। दुआओं में याद रखें फीमाल्ला, ये कोट अद्दू से थे, माशाल्लाह।